उपायुक्त हरकेश मीणा ने उपमंडल कार्यालय सुजानपुर में राज्य स्तरीय होली उत्सव के सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के सुझावों को सुना और इसके अमल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले का भव्य आयोजन होगा। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने उपमंडल कार्यालय सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ रखी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के सुझावों को सुना वो इसके अमल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर होली मेला का भव्य आयोजन होगा। इससे पहले राष्ट्रीय होली मेले की तैयारियों को लेकर सुजानपुर पहुंचे उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बेनी प्रसाद मुख्य स्वागत गेट, पगड़ी स्थल मुख्य बस स्टैंड, शोभा यात्रा स्थल बस स्टैंड से मुरली मनोहर मंदिर, मंच व चौगान सहित तमाम स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुजानपुर बस स्टैंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे पेच वर्क का निरीक्षण किया। वो बेनी प्रसाद गेट के पास लोहे के बने एक चैम्बर को ठीक करने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम एवं मेला अधिकारी शिल्पी बेक्टा मेले के दौरान चौगान में 24 घंटे उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सफाई कर्मी हर वक्त जहां भी गंदगी दिखे, कूड़ा करकट मिले, उसे उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जितने भी दुकानदार व्यापारी मेले में आए, उन्हें स्वच्छता अपनाने के निर्देश दें। दुकानदार दुकानों में कूड़ा दान लगाएं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।